रिहा बर्दे, एडल्ट इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती की हालिया गिरफ्तारी के मामले में हर किसी को जवाबों की तलाश है। महाराष्ट्र पुलिस ने रिहा बर्दे को जाली दस्तावेजों के साथ भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया था। पुलिस का आरोप है कि बर्दे एक बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिन्होंने देश में रहने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इस गिरफ्तारी ने इंडस्ट्री और जनता को समान रूप से झकझोर कर रख दिया है। 90 मिनट तक चले कोर्टरूम ड्रामे में 7 वकीलों ने जोश के साथ बर्दे का बचाव किया, पुलिस के सबूतों और दावों पर सवाल उठाए। बहस तीखी थी, लेकिन अंत में जज ने बर्दे को 1 अक्टूबर 2024 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच जारी है। पुलिस बर्दे के परिवार के सदस्यों की भी तलाश कर रही है, जिन पर भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप है। अधिकारी मुंबई में एक पोर्नोग्राफी रैकेट से संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं, जो इस पहले से ही जटिल मामले में एक और परत जोड़ रहा है। बर्दे की गिरफ्तारी की शुरुआती रिपोर्ट एक दोस्त प्रशांत मिश्रा से मिली, जिन्होंने पुलिस को उसके कथित अवैध प्रवास के बारे में सतर्क किया। इस सूचना के बाद पुलिस ने उसके दस्तावेजों की जांच की और विसंगतियां पाईं, जिससे उसे हिरासत में ले लिया गया। आगे के खुलासे से पता चलता है कि बर्दे की मां मूल रूप से बांग्लादेश की है और उनके पिता महाराष्ट्र के अमरावती के हैं। परिवार ने कथित तौर पर भारतीय नागरिकता स्थापित करने और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे मामला सामने आता है, कानूनी और सार्वजनिक जांच तेज होती जा रही है। इस हाई प्रोफाइल जांच के बारे में अधिक अपडेट के लिए बने रहें।